वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में का स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को हिंदी का समास के बारे में बताऊंगा। ओके, अगर एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद तो एग्ज़ाम में हिंदी का प्रश्न अगर पूछता है तो एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं समास। समास का भेद, समास मुख्य रूप से समास छः प्रकार के होते हैं। समास छः प्रकार के होते हैं, टोटल समास छः प्रकार के होते हैं। ओके, समास छः प्रकार के होते हैं। प्रथम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ओके, फिर से देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ओके, अव्ययी भाव समास। ओके, आज मैं मुख्य रूप से द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ओके, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास का मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा भेद और कैसे पहचाना जाता है। ओके, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में अंतर कैसे हैं? लोग द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में बहुत प्रश्न गलती कर देते हैं विद्यार्थी। ओके, तो इसी के बारे में देखते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास जिस समास पद का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, जिस समास पद का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, इसका ट्रिक है और तथा यह लगा होगा। ओके, जैसे देख लेते हैं। और इसमें मुख्य रूप से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका पहचानने के लिए योजक चिन्ह, ये जो बीच में है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। ओके, योजक बोला जाता है। और तथा यह का प्रयोग करता है, जैसे देख लीजिए दाल और चावल और का प्रयोग हुआ। इसी तरह हार और जीत ऐसे हो सकता है। जैसे माता और पिता और आ गया। और सबसे बड़ा चीज़ है दोस्त, इसमें उल्टा रहना चाहिए, उल्टा। जैसे कि चावल और दाल, हार और जीत, उल्टा हमेशा रहना चाहिए। ओके, उल्टा जैसे माता पिता उल्टा हो गया, छोटा उल्टा बड़ा होता है, बड़ा उल्टा छोटा होता है। अगर उल्टा नहीं होता है तो बुझ लीजिए ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ओके, तो द्वंद्व समास में नहीं आएगा। ओके, उल्टा हमेशा रहना चाहिए। और योजक चिन्ह अव्ययी भाव समास में भी रहता है। जैसे देख लीजिए दोस्त, योजक चिन्ह हमारा अव्ययी भाव समास में भी है। जैसे हाथ उल्टा नहीं है, इसलिए अव्ययी भाव समास में बार, इसमें अव्ययी भाव समास हो गया क्योंकि इसमें उल्टा नहीं है। जैसे रात, प्यार, लड़का लड़की, ये दोस्त द्वंद्व समास हो गया। लड़का लड़की ये द्वंद्व समास हो गया। लड़का एक नियर रहेगा, एक सेम रहा तो अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास। समझ गए दोस्त? जैसे जीवन और मरण, जीवन का उल्टा क्या होता है? मरण। स्वर्ग का उल्टा क्या होता है? नरक। नर का नारी, नर का क्या होता है दोस्त? नारी। ओके, ठंडा का गरम, माप का माप तौल। उल्टा हमेशा बोले दोस्त, उल्टा योजक चिन्ह रहना चाहिए और उल्टा रहना चाहिए, तब होता है द्वंद्व समास। ओके, अब ये भी भाव समास देख लेते हैं। अब जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब पूर्व मतलब हो गया क्या दोस्त? पहला। ओके, पहला हो गया। इसमें ट्रिक देख लीजिए दोस्त, यथा
प्रति इसके आगे लगा होता है। अब ये भी भाव समास के लिए इसके यथा और प्रति आगे लगाया जाता है, तो आगे लगा होगा तो बुझ जाइए कि अभी अभी भाव समास है। ओके, जैसे देखिए दोस्त, आजीवन, जीवन भर, यथोचित, यथा लगा, यो लगा है, देख लीजिए दोस्त, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, भरपेट। ओके, ये इसमें जिसमें यथा, प्रति इसके आगे लगाया जाता है। अब ये भी भाव समास में यथा, प्रति आगे लगा होता है। और मुख्य रूप से देखिए योजक चिन्ह वाला दोस्त, ये योजक तीन, इसमें हाथ, हाथों हाथ, बार बार, इसमें बोल सकते हैं दोस्त कि द्वंद्व समास भी होना चाहिए, द्वंद्व समास भी होना चाहिए, कहा कि उल्टा नहीं है इसमें। जैसे प्यार, प्यार, इसका उल्टा नहीं, प्यार का उल्टा कुछ और होना चाहिए। जैसे रात, रात, रात है, यही रात और दिन हो जाता, रात और दिन हो जाता तो उल्टा हो जाता, रात का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा रात होता है, तो द्वंद्व समास हो जाता। लड़का, लड़का, ये नहीं है, ये हो जाता है द्वंद्व समास। ओके, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाता है, द्वंद्व समास, समझ गए। अब एक शॉर्ट रिविजन देख लीजिए, जिसमें योजक चिन्ह रहेगा वो मुख्य रूप से द्वंद्व समास कहलाता है, और इसका उल्टा रहना चाहिए, विपरीत रहना चाहिए, विपरीत, योजक चिन्ह रहना चाहिए और इसका विपरीत रहना चाहिए, उल्टा, उल्टा होगा, योजक चिन्ह रहना चाहिए और उल्टा रहना चाहिए। जैसे जीवन का मरण, तब होगा द्वंद्व समास, अगर उल्टा दोस्त नहीं होगा तो द्वंद्व समास नहीं होगा, कन्मूल के अव्ययभी भाव समास लगाना है। ओके, हार, जीत, हार का उल्टा जीत होता है, जीत का उल्टा हार होता है, और इसमें देख लीजिए द्वंद्व में प्यार, प्यार, हाथों हाथ, इसमें उल्टा नहीं ना है दोस्त, नहीं है तो अव्ययभी भाव समास, बार बार, दिन रात, सॉरी दिन रात हो गया द्वंद्व समास, दिन दिन है, रात रात है, लड़का लड़का, लड़का लड़का है। ओके, अब समझ में आएंगे, आए होंगे, उम्मीद करते हैं दोस्त इस वीडियो को समझ में आए होंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्त।